टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और गवर्नमेंट के निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। मैंने आज उन चार फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे डिस्कस करना है जो मुझे लगता है वो मैंडेटरी प्रोडक्ट्स हैं और वो सभी इंडिविजुअल मेंबर्स के पास में या फैमिली के पास में वो जरूर होने चाहिए। मैं उन प्रोडक्ट को वन बाय वन बताऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट को मैंडेटरी प्रोडक्ट्स में रखा है। पहला प्रोडक्ट है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है जैसा मेडिकल एक्सपेंसेस आज के टाइम पे जिस तरीके से अनबेरेबल हो गया है, अगर एक छोटी सी छोटी बीमारी के लिए भी अगर किसी को हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ जाती है तो एक नॉर्मल फैमिली के लिए वो अनबेरेबल एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें बेयर कर पाना और उन एक्सपेंसेस को मीट कर पाना। तो उस परेशानी से अपने आप को दूर करने के लिए आपको मेडिक्लेम जैसे प्रोडक्ट को ज़रूर बाई करना चाहिए। मेडिक्लेम आपके पूरी फैमिली के लिए मिल सकता है जो कि आपको किसी भी टाइम पे अगर किसी तरह के मेडिकल एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़े तो वो मेडिकल इमरजेंसीज अगर आती है आपकी फैमिली में तो वो मेडिक्लेम पॉलिसी आपको उससे बचा सकती है, उन एक्सपेंसेस से आपको बचा सकती है। दूसरा प्रोडक्ट है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। लाइफ इंश्योरेंस सबको पता है लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर सभी को पता है। टर्म इंश्योरेंस लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है कि टर्म इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है। टर्म इंश्योरेंस फ्रेंड्स एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो बहुत कम चार्जेस में बहुत बड़ा लाइफ कवर आपको दे सकता है और उसमें कोई रिटर्न नहीं होता। वो एक नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है जो कि आप बेसिकली ऐसा मान के चलिए कि वो लाइफ इंश्योर्ड के फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए है। अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट, अगर ऐसा कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है लाइफ इंश्योर्ड के साथ में तो वो अपने पीछे लाइबिलिटीज़ ना छोड़ के जाए, वो अपनी फैमिली के लाइफस्टाइल से उसे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े और उसकी फैमिली की जो बाकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती रहे। तीसरा प्रोडक्ट है पेंशन फंड। पेंशन फंड मैंने फ्रेंड्स इसलिए लिया है कि आफ्टर सर्टेन एज सभी को रिटायर होना है तो उस रिटायरमेंट के बाद एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, सभी के पास होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा एज होता है जब आपको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ड्यू टू एनी रीजंस। वो मेडिकल रिक्वायरमेंट भी हो सकता है, किसी भी तरह की ज़रूरत हो सकती है जो कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली सोर्स ऑफ इनकम आपके पास नहीं रह जाता है क्योंकि आप अपने जॉब से रिटायर हो चुके होते हैं। उसके लिए आपको अपने बहुत ही शुरुआती एज में या जब भी आपको समझ में, आप पेंशन फंड में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करें सो दैट आपको आफ्टर रिटायरमेंट एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बना रहे होल लाइफ आपके लिए, सो दैट आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े इवन आफ्टर रिटायरमेंट। चौथा प्रोडक्ट है एक ऐसा आदत, मैं उसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट मैं बाद में बुलाऊंगा, पहले बुलाऊंगा, वो एक ऐसा हैबिट है जो सभी को इनकलकेट करने की ज़रूरत है। वो ये है फ्रेंड्स, आप अपने महीने के इनकम में से जरूर थोड़ा पैसा बचाइए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सो दैट आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल पूरा होता रहे। अब वो आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल कुछ भी हो सकता है, गाड़ी खरीदना हो सकता है, घर खरीदना हो सकता है, वेकेशन पे जाना हो सकता है। इस तरह के सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको एक रेगुलर बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट हैबिट क्रिएट करना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है, बहुत छोटे अमाउंट 500 रुपये से लेकर के, डिपेंड करता है आप कितना उसको सेव करना चाहते हैं, लेकिन ये ज़रूर करना चाहिए। अब रहा आप कहाँ करें, वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। वो म्यूचुअल फंड हो सकता है, वो FD हो सकता है, वो लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, शेयर मार्केट हो सकता है, कॉर्पोरेट FD हो सकते हैं, एटसेट्रा। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये चार फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आज मैंने आपसे जो डिस्कस किया है, ये चारों फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मुझे ऐसा लगता है कि चारों फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बहुत ही मैंडेटरी है, वो हर इंडिविजुअल के पास में ज़रूर होना चाहिए। मेडिक्लेम, टर्म इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स एंड चौथा आपका एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट हैबिट। ये आपको ज़रूर अपना मतलब कोशिश करना चाहिए कि चारों फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपके पास हों। इन चारों फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में स्पेसिफिकली मैंने आज डिटेल्स में बात नहीं किया, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। जैसे मेडिक्लेम, आप मेडिक्लेम क्या होता है, कितने अमाउंट को आपको लेना चाहिए, किस तरह के मेडिकल प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, क्या आपको देखना चाहिए एक मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदने के पहले, उसी तरीके से मैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में डिटेल्स में आपको बताऊँगा, उसी तरीके से मैं पेंशन फंड के बारे में बताऊँगा
और डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा सेपरेट वीडियोस में। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें और हमारे वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आके उसे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।